देखिए भैया, जो मैंने सेकंड एग्जांपल बताया, सेकंड एग्जांपल बता रहा हूँ भैया कि मेट्रो में जो येलो स्ट्रिप होती है, मेट्रो में जो येलो स्ट्रिप होती है उसके पीछे ही खड़े होने की हिदायत दी जाती है, आपको एडवाइस दी जाती है भैया कि आप उस येलो स्ट्रिप के पीछे ही रहो। रीजन क्या होता है भैया, जब वहां पे मेट्रो गाड़ी आती है, रेलगाड़ी आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है भैया, उसकी वजह से क्या होता है भैया कि जहां पर वो आएगी तो वहां के फ्लूड को क्या करेगी भैया, डिस्प्लेस कर देगी। फ्लूड इज एयर, वहां पे फ्लूड क्या भैया, एयर। तो वो आएगी तो भैया वहां के फ्लूड को डिस्प्लेस कर देगी। आपके पीछे कोई नहीं आ रहा तो इसलिए वहां की एयर ऐसे ही रहेगी, लेकिन आपके आगे की एयर क्या होगी भैया, डिस्प्लेस होगी। ठीक है भैया, तो अब इसकी वजह से क्या होता है, आगे प्रेशर कम हो जाता है, पीछे प्रेशर क्या होता है भैया, ज्यादा हो जाता है। और इसकी वजह से अगर आपके हम जैसे तो तगड़े बंदों के लिए नहीं है, हल्का फुल्का अगर आदमी रहे अगर हल्का फुल्का आदमी रहे, हल्का फुल्का अगर आदमी रहे तो वो एयर प्रेशर इतना सफिशियंट होता है कि क्या करे भैया, वो उसकी तरफ धकेल दे, उड़ाए नहीं तो धकेल तो दे ही कम से कम। फिर भैया धकेल देगा तो फिर आप तो पता ही है आपको आगे इल्जाम क्या होगा। ठीक है भैया, तो समझ में आ गया भैया, अभी क्लियर है सबको, हाथ खड़ा कर लो, अभी क्लियर है, हो गया क्लियर है। यूनिडायरेक्शनल तो क्या हुआ क्या, अब एयर का जो फ्लो होता है ना वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। तो अगर मान ले एयर जो आई, जो वो जो रेलगाड़ी आई, उसने तेरी हवा को आगे से डिस्प्लेस कर दिया, ये तो समझ में आ गया ना। तो पीछे की एयर क्या हुआ, वही है, उतनी है, तो पीछे ज्यादा प्रेशर करेगी एयर, आगे कम प्रेशर होगा, तो वो उधर भी चल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लोन देखा, साइक्लोन, साइक्लोन की कोई यूनिडायरेक्शन थोड़ी ना होता, सर्कुलर होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस हो जाता है चारों ओर। ओए अब ये, ओए आपने आपने भाई प्लीज यार चुप हो जा। ठीक है भैया, आपने ये सुना होगा भैया, जो क्रिकेट देखता है तो क्रिकेट का शौकीन होता है, नहीं देखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फुटबॉल का भी शौकीन होगा तो ये भी फिर भी पता लग जाएगा। ठीक है भैया, होता क्या भैया कि कहते हैं एयर में स्विंग करा रहा है, हवा में स्विंग करा दी इसने बोल, या फिर अगर ये रोनाल्डो मैसी ऐसे प्लेयर को देखोगे तो वो किक मारने के बाद क्या होती है, उनकी जो बॉल होती है ना हवा में लहर जाती है, एक साइड में देखा है, इधर मारते हैं और उधर चली जाती है। ठीक है भैया, तो ऐसा या भी अंडे की बॉल से कभी आप बैट बॉल खेलना, अंडे की बॉल से आप बैट बॉल खेलना, जब आप शॉट मारोगे ना तो ये यूं करके ऐसे निकल जाती है। ठीक है भैया, देखा आपने, देखा ना, नहीं देखा जिंदगी, जिसने नहीं देखा उसने कुछ नहीं किया जिंदगी में। ठीक है भैया, तो भैया ये सब आपने ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है भैया, तो ऐसा क्यों होता है, इसको पहली बात तो इसको कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। क्या कहते हैं भैया, मैग्नस इफेक्ट। एक्चुअल में क्यों होता है ऐसा देख लीजिए भैया, एक्चुअल में इसलिए होता है क्योंकि जब आपको मैग्नस इफेक्ट वहीं पर देखने को मिलता है जहां पर वो बॉल जो होती है वो क्या होती है, अपने एक्सिस पर बड़ी तेजी से क्या होती है, घूमती है। आपने यूट्यूब में एक वीडियो भी देखी होगी, जनरली फेसबुक में भी, कि एक बंदा बहुत हाइट से फुटबॉल को क्या करता है, पहले नॉर्मली फेंकता है तो सीधी आती है बॉल, ठीक है, और नीचे गिर जाती है, लेकिन जब वो घुमा के फेंकता है तो बॉल क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी अपने रास्ते को चेंज करती है। हाँ भाई, अपने रास्ते को चेंज करती है, क्या होती है भैया, कहीं और जाके गिरती है। वो जब अपने रास्ते को एयर में ही चेंज करती है, इसी को क्या कहते हैं भैया, मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अब ये मैग्नस इफेक्ट होता क्यों है। ठीक है भैया, तो मैग्नस इफेक्ट होता क्यों है, तो उसका सबसे मेन रीजन है भैया, सॉरी, प्रेशर डिफरेंस। सबसे मेन रीजन क्या भैया, प्रेशर डिफरेंस, वही ये नहीं बर्नौली, यहाँ पे ही बर्नौली है अपना। चलो देखते हैं कैसे होता है, जब आपकी जो बॉल है, ठीक भैया, जो बॉल है वो अपने एक्सिस पे स्विंग करती है, घूमती है, तो भैया देखिए एयर जो होती है चारों ओर ऐसे होती है, एयर की लेयर। ठीक है भैया, ये एयर की लेयर है आपकी। ठीक है भैया, अब बॉल इस डायरेक्शन में स्विंग कर रही है, चलिए वो आवाज कहां से आ रही है भैया, बहुत ज्यादा ज्ञानी हो रहा है क्या है, तेरे को कह रहा हूं मैं हिमांशु, तू ये नहीं पता, चुप हो जा। ठीक है, एयर ऐसे स्विंग कर रही है, ऐसे स्विंग, सॉरी, बॉल जो है वो ऐसे स्विंग कर रही है। ठीक है भैया, तो ऐसे स्विंग कर रही है तो भैया कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाली लेयर के साथ कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसी के डायरेक्शन में बॉल की जो स्विंग हो रही है वो इसी डायरेक्शन में हो रही है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूं नीचे वाले के डायरेक्शन में, जो नीचे भी है तो आपकी एयर रहेगी ना नीचे की है। ठीक है भैया, ये जो स्विंग है, नीचे जो स्विंग है
वो इस एयर के अपोजिट डायरेक्शन में, और जो ऊपर जो स्विंग है वो एयर की सेम डायरेक्शन में। तो इस वजह से क्या होता है भैया, ये स्विंग क्या करता है, ये स्विंग इस तरीके स्विंग जो एयर का अगेंस्ट में स्विंग होता है वो नीचे से लगने वाले प्रेशर को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है भैया, ये जो स्विंग है देखिए भैया अगेंस्ट चला ना, अभी बता रहा है देखिए ये एयर ऐसे चल रही है, एयर ऐसे चल रही है, ठीक है भैया, और ये जो स्विंग है वो ऐसे हो रहा है, तो इसकी वजह से नीचे का प्रेशर क्या होता है भैया, डिक्रीज कर जाता है। नीचे का प्रेशर क्या होता है भैया, और ऊपर का प्रेशर क्या होता है भैया, उतना ही रहता, मतलब इंक्रीज कर गया इसके रिस्पेक्ट में। ऊपर का प्रेशर क्या भैया, इंक्रीज कर गया। जो बॉल जो पहले सीधी लाइन में आ रही थी, अब आपको पता है भैया इस बॉल का फ्लो कहां से कहां पे होगा, हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हाइयर प्रेशर टू। अब ये बॉल की डायरेक्शन जो इस डायरेक्शन में आ रही है वो ऐसे नहीं आएगी, ऐसे घूम जाएगी। समझ में आई बात नहीं आई, दोबारा से देखिए भैया, बॉल ये स्विंग कर रही है अपने एक्सिस पे ऐसे करके गोल गोल घूम रही है। ठीक है भैया, बॉल जब घूम रही है तो भैया इसके चार ओर एयर रहती है भैया एटमोस्फेयर में, तो एयर तो रहेगी रहेगी ना, तो ऊपर की एयर जो ऊपर की जो लेयर होती है एयर की वो क्या होती है, इसके स्विंग की डायरेक्शन में होती है, तो ऊपर का जो प्रेशर होता है वो उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जो नीचे वाली एयर होती है वो क्या होती है भैया, अपोजिट डायरेक्शन में आती है, अगेंस्ट में आती है, तो इसकी वजह से नीचे से प्रेशर क्या होता है भैया, डिक्रीज कर जाता है। और जब नीचे से प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपको पता है भैया किसी भी चीज का फ्लो क्या होता है, हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अगर ऊपर का प्रेशर, अगर मैं इसे ऐसे स्विंग करा दूं ऐसे उल्टा, तो क्या होगा भैया, ऊपर वाला प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, नीचे वाला प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये स्विंग क्या होगी, उस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है भैया, इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं भैया, मैग्नस इफेक्ट। आप ये स्विंग जब भी देख सकते हो जब बॉल अपने एक्सिस पे घूमे, सीधी सीधी फेंकी गई बॉल कभी घूमती नहीं है, अख्तर की बॉल कभी भी सोएब अख्तर की वो घूमती नहीं थी क्योंकि वो सीधा फेंकता था तेज। ठीक है भैया, लेकिन अगर भुवनेश्वर कुमार की बॉल देखोगे तो क्या हो भैया, वो गोल गोल घूमती है अपने एक्सिस पे, और एक्सिस पे घूमने की वजह से उसके अंदर क्या आता है भैया, मैग्नस इफेक्ट। जो अपने एक्सिस पे जितना बढ़िया घुमाता है, ठीक है भैया, वो उसकी सबसे ज्यादा किसकी घूमती थी, वसीम अकरम की। ठीक है भैया, और सबसे ज्यादा उसकी एयर में स्विंग करती थी, सबसे ज्यादा मैग्नस इफेक्ट वसीम अकरम की बॉल में देखने को मिलता था। ठीक है भैया, प्रवीण कुमार, वसीम अकरम, आपका ये हो गया जोश हेजलवुड हो गया। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है भैया। और ये स्लो, और एक बात और, नहीं देना, ये स्लो स्पीड में नहीं होगा कि आप ऐसे घुमा के फेंक दो आपको दिख जाएगा, नहीं, आपको हमेशा ज्यादा स्पीड होनी चाहिए, यानी जो रिवर्स स्विंग करेगी या एयर में स्विंग करेगी वो आपके पेसर की बोलोगी। स्पिनर भी तो ऐसे कराता घुमाता है, उसकी बॉल स्विंग नहीं करती क्योंकि ये प्रेशर डिफरेंस उतना ज्यादा क्रिएट नहीं होता। समझ गया भैया, स्पीड के साथ स्विंग करनी चाहिए। बेटा क्लियर है ऑनलाइन में सबको, इसे कहते हैं भैया मैग्नस इफेक्ट। हाँ, काफी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब एप्रिशिएबल स्पीड होनी चाहिए उसके रिस्पेक्ट में। मैग्नस इफेक्ट, ठीक है भैया। क्या कह रहे हैं, ओए देखिए भैया एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं मैं इस चीज को, ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक है भैया, जब एयर ये बॉल स्विंग करेगी तो ऊपर वाली लेयर के डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है भैया, तो इसके देखिए ये स्विंग ऐसे करेगी ना, तो ऊपर की जो एयर की लेयर है वो क्या होगी, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में स्विंग कर रही है, तो ऊपर से प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रेशर अनचेंज रहेगा, मैंने इंक्रीज लिख दिया, बाकी चेंज नहीं आता। लेकिन नीचे वाली लेयर की क्या होती है, ये नीचे से उल्टी डायरेक्शन में एयर ऐसे आ रही है और ये ऐसे स्विंग कर रही है, तो अगेंस्ट में चलने की वजह से नीचे से प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, और ऊपर से प्रेशर क्या होता है भैया, इंक्रीज कर जाता है, और बॉल क्या होती है, हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर, हाइयर प्रेशर क्या ऊपर, लोअर प्रेशर क्या नीचे, तो ये बॉल क्या होती है, सीधी जाने के बजाय नीचे की तरफ आती है। बिल्कुल सेम अगर बॉल उल्टी करे तो ये बॉल क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ स्विंग कर जाएगी। ठीक है भैया, तो इसे कहते हैं भैया मैग्नस इफेक्ट। क्या कहते हैं भैया, देखिए भैया इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सारे नहीं करने, आपको पहले बता दे रहा हूँ एनसीईआरटी के। ठीक है भैया, जो मैं भेज रहा हूँ वही करने, विद सॉल्यूशन भेजूंगा आपको मैं। ठीक है भैया, विद सॉल्यूशन भेजूंगा एनसीईआरटी के, और कुछ प्रीवियस ईयर के सीबीएसई के क्वेश्चन भेजूंगा। ठीक है भैया, सुन लो पहले मेरी बात सुन लो, आज ही भेजूंगा, मतलब शाम तक भेज दूंगा। ठीक है भैया, तो उसको आप देख लेना भैया। देखिए वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में दोनों साइड में पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर देते, हटा देते। ठीक है भैया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चन है। ठीक है भैया, इसको आप देखना, मैं सॉल्यूशन से समय भेजूंगा, थोड़ा सॉल्यूशन देख लेना, नहीं समझ में आएगा फिर भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, क्योंकि हम कल से जो स्टार्ट करेंगे वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट होगा। ठीक है भैया, थोड़ा सिलेबस कवर मैं करवा दूंगा, मैं कह रहा हूँ आप पहले कर लो खुद से, बाकी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो भैया मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तो जय हिंद जय भारत।